वेलकम टू माई चैनल परफेक्ट क्लास। मैं नाम सादिक खान। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यू क्वेश्चन एनसीईआरटी 8 क्लास मैथ्स का है। क्वेश्चन नंबर 11 रिवीजन क्वेश्चन है 11। फाइंड द एंगल मेजर एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। एक डायग्राम दे रखा है, इस डायग्राम में आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। तो इस डायग्राम में सबसे पहले आप इसकी चीज़ देखो, इसमें यहाँ पर कितने साइड है, तो 1 2 3 4 नंबर ऑफ साइड्स की 4 है। तो हमने शो कर दिया नंबर ऑफ साइड इक्वल 4। हमें फाइंड करना है एक्स वैल्यू, तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ साइड शो करना है। अब यहाँ आपको शो करना है इसका सम ऑफ एंगल। अगर 4 साइड है तो सम ऑफ एंगल क्या होगा वो फाइंड करेंगे। तो सम ऑफ एंगल का फॉर्मूला रखेंगे, सम ऑफ एंगल का फॉर्मूला है टेन माइनस टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो जो एन है वो नंबर ऑफ साइड को शो करता है, एन डिनोटेड बाय नंबर ऑफ साइड। तो यहाँ वैल्यूज जाएगी, ये आपको लाइन रिपीट करना है। तो जो एन वैल्यूज है वो है 4 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। तो 4 में से 2 माइनस करेंगे, 2 वैल्यूज बचेगी और ये आ जाएगा 180 डिग्री। तो 18 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, और जो 0 बचा है वो 0 आ जाएगा। तो 360 डिग्री तो इसका सम ऑफ एंगल आ रहा है। तो अब हमारे पास सम ऑफ एंगल है, तो इसी से हम सॉल्व करेंगे इसकी वैल्यूज। सम ऑफ एंगल आ गया 360 डिग्री। तो यहाँ जो वैल्यूज है इसके चारों वैल्यूज का सम ऑफ एंगल 360 है, सॉल्व करते हैं इसे। तो फर्स्ट जो वैल्यूज है 50 डिग्री प्लस सेकेंड वैल्यूज 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस एक्स इक्वल 360 डिग्री। यहाँ 360 डिग्री सम ऑफ एंगल आता है, टोटल इसका सम ऑफ एंगल 360 डिग्री, इसलिए यहाँ पर 360 डिग्री आ गया, 360 डिग्री। इन सबको प्लस कर लेंगे, 130 और 120 250 हो रहा है, 250 और 50 प्लस कर लेंगे 300 आ जाएगा। तो 300 प्लस एक्स इक्वल 360 डिग्री। इस 300 को बराबर के आगे भेजेंगे, LHS से RHS में जब कन्वर्ट होगा तो साइन चेंज होगा। तो एक्स इक्वल 360 माइनस 300, तो x की वैल्यू आ जाएगी 360 में से 300 माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा, जो कि x की वैल्यू है। तो ये x का आंसर आ रहा है, x का आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन फर्स्ट कंप्लीट हो गया था, सेकंड क्वेश्चन भी। अब इस डायग्राम में आपको x के लिए फाइंड करना है 70 डिग्री या 60 है, लेकिन यहाँ जो वैल्यूज नहीं दिए वो x वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ जो वैल्यूज इसके रूप में एक चीज़ दे रखी है शेप्स, तो यहाँ राइट एंगल बन रहा है, जो लाइंस बन रही है राइट एंगल के रूप में बन रही है। तो आपको बता दूँ राइट एंगल की जो वैल्यूज होती है 90 डिग्री होता है, तो यहाँ 90 डिग्री। अब इसमें भी आपको देखना है इसका सम ऑफ एंगल, तो उसके लिए आपको चाहिए इसके साइड 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ साइड इसकी 4 है, नंबर ऑफ साइड 4 इक्वल 4। इसके हिसाब से हम नंबर ऑफ साइड 4 है तो इसी बेस पर इसका सम ऑफ एंगल बताएंगे। तो इसका सम ऑफ एंगल भी 360 डिग्री ही निकलेगा, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं, शो करते हैं। सम ऑफ एंगल इक्वल एन माइनस टू मल्टीप्लाई 180 डिग्री, ये फॉर्मूला रहता है सम ऑफ एंगल का। तो यहाँ वैल्यूज रहेगी, ए की वैल्यूज है 4 माइनस टू मल्टीप्लाई 180, तो 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री, 360 रहेगा इसका भी, है ना, क्योंकि सेम वैल्यूज है, सेम साइड है, इसलिए 360 आ जाएगा। अब इनकी जितनी वैल्यूज है वो सारी वैल्यूज ले लेंगे, जैसे फर्स्ट से x प्लस 70 प्लस 60 और प्लस 90। अब यहाँ 90 कैसे आया, यहाँ राइट एंगल बन रहा है, तो आपको मालूम होना चाहिए कि राइट एंगल की जो वैल्यूज होती है वो 90 डिग्री होती है, तो इसलिए 90 आएगी इक्वल 360 डिग्री। ये वैल्यूज आ गई, इन सबको प्लस कर लेंगे, तो x प्लस 70 और 60 इनको ऐसे प्लस कर लेते, तो ये 70 और 90 जो भी वैल्यूज आ रही है, फिर 70 और 60 को प्लस कर लेते, तो 130 आपको मैं शो करता हूँ। ये हो गया 90, ये 70 और ये 60, 0, 9 और 7 होता है, या फिर 7 और 6 प्लस कर लो, आएगी फिर 16 हो गया, 16 और 6, तो 16 और 6 22,
तो 220 आ रहा है इक्वल 360। अब इस 220 को बराबर के आगे भेजेंगे, LHS से RHS में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, 220 माइनस कर देंगे तो ये वैल्यू माइनस करते हैं फिर उसका आंसर आ जाएगा। तो 360 में से 220 माइनस करना है जीरो, 6 में से 2 माइनस करेंगे 4, तो ये वैल्यूज आ रही है 140 डिग्री आ रही है। तो यहाँ जो वैल्यूज है वो कि जो 140 डिग्री है, ये आपका आंसर आ गया।